हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और नहा धोकर हो गए हैं तैयार और मम्मी जी बना दी हैं चाय और नाश्ता। हमारी चाय बन चुकी है और ये पॉपकॉर्न फूट चुके हैं भाई। ये दुबई वाले पॉपकॉर्न हैं, दुबई वाले। तो हमारे दुबई वाले पॉपकॉर्न और हमारी देसी कड़क चाय, देसी और विदेशी, क्या क्या गजब कॉम्बिनेशन है, शानदार। क्यों मम्मी? बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है। तो फटाफट इसको खाते हैं और चाय पीते हैं और व्लॉग को एडिट कर दिया हूँ, अपलोड कर देता हूँ थोड़ी देर में। और फिर आज है भाई घर की पोताई, लिपाई, सफाई। तो आज फटाफट काम करना है, घर का एक कमरा तो निपटाना ही है आज किसी भी हाथ में। तो आज ये काम सबसे पहले होगा, बाकी काम बाद में। भाई आज दिन का लंच बनाने की ड्यूटी लगी है भाई साहब की। क्या बना रहे हो? चावल, चावल चढ़ा, ये देखो चावल चढ़ा दिए हैं और ये दाल बन चुकी है भाई। अरे गरम है, ये अभी बघरी नहीं है। हाँ, और ये सब्जी काय की है, करेली। अरे भैया बहुत, ये देखो ऐसी भाप निकल रही, बहुत गरम गरम है। और ये डोसे का आटा फ्लो दिया गया है भाई। आज शाम को बनाएंगे बाबा डोसा। डोसा बनेगा, डोसा मसाला डोसा होगी। चावल कितनी देर में बन जाएगा? अरे मुश्किल से 6 से 7 मिनट। हाँ, मम्मी जी क्या है, सुबह से काम कर रही तो उनको बहुत हो गई थकान, तो भाई साहब की ड्यूटी लगा दी है कि खाना बनाओ पूरा दिन का लंच। भाई साहब पापड़ भी भूज लेना या बेबी रिंग तल लेना, ठीक है? पापड़ भूज दे कि तल दे? मेरे ख्याल से भूजने में, भूजने में अच्छा चटपटा लगता है, तलने में तो वो अजीब स्वाद हो जाता। भूज के खाओ ना मसाला पापड़ को, भूज के खाओ तो चटपटा अच्छा स्वाद आता है, और तल लो तो वो अजीब हो जाता है यार, उसके मसालापन खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। हो गया है लंच का समय और थोड़ी सी लगी है भूख, तो मैंने खाना निकलवा लिया है। ये देखिए दाल, चावल, करेली की भुंजिया और पापड़, ये है हमारा लंच। हो गई है शाम और मिल गई गर्मा गर्म चाय और हम लोग पी रहे हैं चाय, शाम की चाय। भाई खाना खाने के बाद ना ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, अब बता नहीं सकते कैसी नींद आई। सीधे बिस्तर पर सो गए, अब यूट्यूब मुँह हाथ धोए, चाय माय पी लें, थोड़ा ताकत माकत इकट्ठा कर लें, फिर कमरा खाली करके दे लप लप पोतना चालू करते हैं, निपटा देंगे। 4 घंटे तो लगी है, 5 घंटे लग जाएंगे, जितनी देर भी लगे भाई आज कमरा निपटेगा। सुबह ब्लॉग में आपको ये कमरा चमकता हुआ दिखेगा बिल्कुल। चलो भैया जी पूरी अलमारी खाली करते वक्त जब बाकी कागज यहाँ रख दिए हैं, ठीक है, और जो लैपटॉप हम जा रहे हैं अलमारी में रख दे रहे हैं, ये पेपर को क्या एक ही साथ ऐसे जमे हुए हैं कि अलग अलग रखना है? ये बंडल मेरे को दे दो, मैं ऊपर रेक पर रख देता हूँ बाहर के कमरे में। नहीं तो क्या है, कागज का पानी वाली पड़ जाएगा वो भैया। आराम से आराम से आराम से, भसका मत दे पूरे कागज। वाली पन्नी कहाँ गई? हाँ यार, अजय देखो इंची टेप नापने वाला ढूंढ रहे थे ना, वो दिन ढूंढ ढूंढ के परेशान होकर मिले ही नहीं रहा। ये वाले बंडल के पीछे मिला जो यहाँ बंडल रखा था, ये देखो। लाओ बंडल उठाओ, अपन बाहर रेक पे रखें, और तुम लैपटॉप रख के आओ अलमारी में, जाओ। ये पूरा जो मोबाइल वाला सिस्टम है ना, मैं अलमारी में रख दे रहा हूँ। अलमारी में रख दे भाई, मेरे को मम्मी का शुगर का बीपी की मशीन सब यहाँ रख दे रहे, बाकी सब जार वहाँ रख दे रहे, और ये ड्रायर वायर प्रेस वगैरह सब सेट कर रहे। अब पोते का कमरा चाय पी के तंदुरुस्त हो गए, थोड़ा ये सब सामान वामान बटोर ले, फिर बनाते हैं बड़े बड़े डोसा और खाएंगे और फटाफट लग जाएंगे, उसके बाद ये सफाई करेंगे। हम लोग डिनर बना रहे हैं प्लेन डोसा, मम्मी पापा खा रहे हैं चटनी के साथ और हम लोग खाएंगे भाई सिर्फ प्लेन डोसा सूखे, बिल्कुल रोल बना के कचकच कचकच करके खा जाएंगे। अपन ने आज का डोसा जो है थोड़ा सा सॉफ्ट बनाया है, मुलायम, मतलब मुलायम है, ऐसा लग रहा है जैसे पिज्जा टेक्सचर बोल सकते उसको। हाँ, उससे भी सॉफ्ट है, स्पंजी टाइप के, स्पंजी जैसा, स्पंजी जैसा, जब डिब्बे में भरा है भाई साहब तवे में बना रहा है। हाँ, ये देखो क्या गजब का बन रहा भाई आज का, तो बहुत ही शानदार। मेरे को थोड़ा पतले पतले देना, ठीक है? ठीक 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 है ना, पापा जी को थोड़ा, पापा जी को थोड़ा सा स्पंजी दे देना, मेरे को बिल्कुल पतला पतला देना, ठीक है? और मम्मी जी भी स्पंजी खाएंगी, सबको स्पंजी ही बनाना है। हमको थोड़ा सा क्रंची देना, क्रंची कर लूं? हाँ, मुझे क्रंची चाहिए। देखो देखो देखो, बबल्स आ गए। ये देखो यार, बबल आ रहे हैं, इसका मतलब है डोसा एक नंबर का बनने वाला है। जब ये छेद छेद से दिखने लगे ना, समझो आपका आटा ओके है और बनाने वाला भी ओके है और बनने वाली चीज भी ओके है। 100 to 100। हाँ, हमारा एक एक बनते जा रहा है और यहीं बैठे बैठे निपटते जा रहे हैं, बनता जा रहा है, निपटते जा रहा है।
पापा मम्मी हो गए फुर्सत, उनको खिला दिया बढ़िया चटनी के साथ। और भाई देखो कितना सुंदर, दिखा उठा के दिखा, अरे पिछवाड़ा दिखाया, दिखा ये भाई फ्रेंड इनने बोला था क्रंची चाहिए, क्रंची चाहिए, मैंने क्रंची बना दिया। अब टेस्ट करके बताते हैं आपको कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया, किसी चीज की जरूरत नहीं है, सूखे सूखे 5-6 तो मैं खा लूंगा और मेरा डिनर हो जाएगा भाई। हल्का मीठा, खट्टा और हल्का नमक, तीनों का टेस्ट चला, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है, किसी चीज की जरूरत नहीं है इसमें, खट्टा मीठा नमकीन और अपने आप में बिल्कुल एक नंबर है। मैं अपनी कर्मस्थली भोजन स्थली बनाने वाली स्थली पे बैठ चुका हूँ, मेरा यही डिनर हो जाएगा। देखो एक और बन रहा है, ये खाता जाऊंगा भाई साहब, जाइए गरम 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 भाई, मोबाइल में नहीं चिपकाना, दूंगा देखा आपने, भाप देखा कितनी तेज निकल रही थी, अरे पास पे लाओ ना, तो हम लोग फटाफट खाते जाएंगे। ये मेरा एक और बन रहा है, आधा और रखा, फटाफट हम लोग खाते हैं और दूसरे काम में लगते हैं। भाई पूरा कमरा कर दिया खाली मैंने, और भाई साहब ने ये देखो पूरा कमरा खाली है। किसने खाली किया, किसने? मैंने और तुमने मिलके। हाँ जी ठीक है। भाई मैंने बोला ना भाई साहब ने, ये देखो पूरा कमरा खाली हो चुका हमारा। और देखो भाई साहब जो काम कर रहे हैं ना, इसको मैं अच्छे से दिखाता हूँ आपको स्पष्ट रूप से। ये वाली दीवार जो थी ना हमारी, सीट पर बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो ये पूरी ना पपड़ी छोड़ दी है। तो भाई साहब बोल रहे इसको पूरा खखोर के, हमने जो पुट्टी लाई उसको पुट्टी करते हैं, उसके बाद करेंगे पोताई। ठीक है भाई साहब, इसको तो भाई पुट्टी करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो कैसे ये देखो ये देखो ये देखो ये नीचे देखो, इसमें क्या दीवार पे जहाँ ये छूट रहा है ना, हाँ मैं बोला ज्यादा मत छोड़ाओ, जितना छूटो उतना छोड़ाओ, हाँ काम फैले ना, बस ये बोल रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत तो मेहनत लगेगी यार, हैं क्या रात भर अपन कपड़ा निपटाना है भाई। हाँ तो पुट्टी करके पोतते हैं, हाँ जितनी जल्दी छोड़ा दे मैं छोड़ाओ फटाफट, बहुत ज्यादा अच्छा निकल रहा है, पूरा नीचे भर गया। अरे बाप रे, तुमने बरसात कर दी यार, पपड़ी की बरसात कर दी तुमने तो भाई, इसको पोत भी देंगे ना तो बाद में निकल जाएगी, निकल जाएगी, निकल जाएगी। पहले हम लोग पूरा इसको छुड़ाने का काम कर लें, कमरा झाड़ लें, उसके बाद पुट्टी करेंगे, पोतेंगे। आज रात को कमरा निपटाने की पूरी कोशिश है कि निपट जाएगा, सुबह आपको नया कमरा मिलेगा, उसको चकाचक। पूरा कमरा साफ हो गया हमारा, पूरी धूल धक्कर साफ करके भाई साहब लग गए पुट्टी करने में। ये देखो पुट्टी कर रहे हैं, पुट्टी करते दिखा रहे, ठीक है, यस यस यस, ये देखो भाई साहब सीख गए पूरा पुट्टी करना, अच्छा काम भाई, सब काम बनना चाहिए। ये देखो एक नंबर, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, एक नंबर का। सामने पूरे गड्ढे गायब, गड्ढे गायब कर दिए यार, सही बात है, अच्छा लग रहा। हाँ हाँ, थोड़ा और दबा के पुट्टी ज्यादा ले लो, थोड़ी सी और पट्टी में पूरे गड्ढे भर दो आज। मम्मी बोले एक भी गड्ढा नहीं दिखना चाहिए दीवार के अंदर में। सब बंद कर दूंगा। अभी ये कौन सा कलर पोत रहा है, अभी तुम पहले बताओ। भाई जो ये छुला हुआ है ना, जहाँ से डिस्टर्बर निकल गया सीट में, इसको पहले व्हाइट मार दे, ठीक है, उसके बाद जब ये व्हाइट सूखता रहेगा, जब तक अपन सिलिंग पोतने लगेंगे और बाकी दीवार, फिर इसको अपन बाकी में मैच कर लेंगे बाद में। अच्छा हाँ, जो जहाँ का कलर निकल गया वहाँ पहले व्हाइट मारोगे ना, व्हाइट क्या उससे ना फिर ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, शाइनिंग और कलर भी चढ़ जाएगा, सही बात है। अपन जैसे दो कोट मारते हैं ना और इसको नहीं मारते हैं, तो फिर ये उछला हुआ दिखेगा बाहर। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, इसको पोत दे रहे हैं कि ये पहले दो दो कोट हो जाए। अच्छा तो पुट्टी कैसी हुई मेरी, ठीक हो गई? पर कम पड़ गई यार, पुट्टी कम से कम 10 किलो चाहिए थी, हमने लाई 1 किलो, हम सोचे मेन मेन गड्ढे में भर देंगे भाई, वो तो फैलते ही गए गड्ढे, फैलते ही गए इतना सारा एरिया था यार। अब अभी एक काम करते हैं, पुताई नपाई कर लेते हैं, 30 त्यौहार मनाते हैं, उसके बाद इसकी व्यवस्था बनाते हैं, अगले महीने फिर पुट्टी वाले को बुला के करवा देंगे, प्रोफेशनल बुला के अपन करवा देंगे। अभी तो पुताई हो जानी चाहिए बस, हमारी आधे से ज्यादा सीलिंग पुछ चुकी है, ये देखिए क्या गजब की शाइनिंग आ रही है, ये सूखेगा तो और शाइनिंग करेगा ना भैया। हाँ पूरी, और मैंने देखो ये पूरे जहाँ जहाँ व्हाइट पोत दिया हूँ, जहाँ जहाँ धब्बे थे ना, ये सब, ये देखो ये सब पोत दिया हूँ मैंने। हमारी पुताई अभी कंटिन्यू है, हो सकता है सुबह भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा जल्दी भी हो जाए, और देखो पूरी तरह से मैं पेंटिंग करने वाले जैसे दिखने लगा हूँ। तो व्लॉग की करते हैं एंडिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, गुड नाइट, बाय बाय।